Hello students, welcome to getlectures.com. Today we will see the chapter wise analysis of group 2 subjects, remaining group 2 subjects: heat transfer, refrigeration air conditioning, IC engine, power plant engineering and fluid machines. Now let us see, first we will see the analysis of group 2 subject, first heat transfer. ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज द एप्लीकेशन सब्जेक्ट ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स, द कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स. ये सब्जेक्ट गेट में 8 टू 10 मार्क्स कंटेन करता है, 8 टू 10 मार्क्स इन गेट एग्जाम. और कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर होता है अपना कंडक्शन, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का सबसे बड़ा टॉपिक है कंडक्शन. कंडक्शन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले हम कंडक्शन में पढ़ते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन. फिर हम पढ़ते हैं कंडक्शन इन स्लैब्स. फिर पढ़ते हैं कंडक्शन इन कंपोजिट स्लैब्स. फिर हम पढ़ते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन इन स्लैब्स, स्लैब्स एंड कंपोजिट स्लैब्स. ओके, नाउ फिर हम देखते हैं कंडक्शन इन सिलेंडर्स. अगेन कंडक्शन इन कंपोजिट सिलेंडर्स. Then again the conduction convection in cylinders and composite cylinders. Then again उसके बाद हम कंडक्शन इन स्फीयर्स भी हम पढ़ते हैं. उसके बाद हम देखते हैं जनरलाइज्ड कंडक्शन इक्वेशन विद और विदाउट हीट जनरेशन. ओके, इन स्लैब्स, इन कंडक्शन, जनरलाइज्ड कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड एस्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद हम इसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स भी देखते हैं कि विद और विदाउट हीट जनरेशन टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है. ओके, फिर हम देखते हैं यहीं पर अगर आप सिलेंडर में कंडक्शन की जब आप बात करते हो, कंडक्शन कन्वेक्शन इन सिलेंडर्स एंड कंपोजिट सिलेंडर में, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रिटिकल रेडियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्रिटिकल रेडियस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर हम कंडक्शन कन्वेक्शन में हम एनालाइज करते हैं फिन्स के बारे में. फिन्स की भी स्टडी हम इसी में करते हैं. फिन्स आपके जो तीनों जनरलाइज्ड कंडीशंस जो होते हैं फिन्स में, उसकी भी स्टडी हम इसी में करते हैं फिन्स में. उसके बाद हम फिन्स के बाद देखते हैं लंप्ड एनालिसिस. कंडक्शन में ही हम देखते हैं लंप्ड हीट एनालिसिस में बायोट नंबर, देन आपको टाइम निकालना होता है
कि कितने टाइम में कितना टेम्परेचर का डिक्रीज और इंक्रीज होगा, कितना टेम्परेचर आपका डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो लंप्ड हीट एनालिसिस भी आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो। यहां से गेट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इस टॉपिक को भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ओके, देन सेकेंड चैप्टर हम इसमें देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जनरली अगर आप देखो तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। हम कहते हैं कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है, और कंडक्शन जो होता है वो 70-80% ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और 10-20% आप कह लो या 10-20% कह लो, 10-20% जो होती है वो वाइब्रेशन के कारण होती है, लैटिस वाइब्रेशन के कारण होती है। अब कन्वेक्शन पे आते हैं, कन्वेक्शन जनरली हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड्स में होता है, लेकिन अगर आप कहो तो कन्वेक्शन इज आल्सो कंडक्शन बाय एडवेक्शन। कंडक्शन बाय एडवेक्शन, एडवेक्शन मीन्स व्हाट, द बल्क मोशन। बल्क मोशन, जब मोशन की बात आती है तो कन्वेक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्री कन्वेक्शन, देन सेकेंड वन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब देखिए कन्वेक्शन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के 3-4 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पहला चैप्टर है आपका लेमिनार फ्लो, सेकेंड चैप्टर इज टर्बुलेंट फ्लो, थर्ड चैप्टर इज बाउंड्री लेयर थ्योरी, एंड फोर्थ चैप्टर इज डायमेंशनल एनालिसिस। ये 4 चैप्टर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप कन्वेक्शन को समझ पाओगे। कन्वेक्शन में जैसा कि हमने देखा कि एक होता है फ्री कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम फ्लूइड को एक्सटर्नल मोशन देते हैं बाई यूजिंग फैंस, ब्लोअर्स एक्सेट्रा, और फ्री कन्वेक्शन जो होती है उसमें हम एक्सटर्नल मोशन नहीं देते हैं फ्लूइड्स को, वो ड्यू टू बायोंसी फोर्सेज होती है। ओके, तो कन्वेक्शन में आप लोग सारे टॉपिक्स जो एनालाइज करते हो, सबसे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशनलेस नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, रेनॉल्ड्स, प्रांडल, फिर आप नसल्ट नंबर, ये तीनों नंबर फाइंड आउट करते हैं, फिर उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, फिर हम जैसे कि बाउंड्री लेयर थ्योरी, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ते हैं, उसी को जस्ट एनालॉजी लगाते हैं, हम थर्मल बाउंड्री लेयर भी डेवलप करते हैं, और सेम एनालॉजी के थ्रू हम सारी एनालिसिस करते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन में। फ्री कन्वेक्शन में भी हम चीजों को देखेंगे, ग्रास ऑफ सुनंबर वगैरह वहां पर हम देखते हैं, तो वो सारी एनालिसिस हम टॉपिक वाइज एनालिसिस, जब हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट में जब एंटर करेंगे, कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड चैप्टर हम इसमें जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रेडिएशन में जनरली हम जो पढ़ते हैं टोटल जो हमारे लॉज हैं, एक तो हमारा जो लॉ है क्रिकॉफ्स लॉ, सेकेंड लॉ जो आता है हमारा WEINS विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, थर्ड लॉ इज प्लैंक्स लॉ, फोर्थ वन इज प्लैंक्स के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, एंड फिफ्थ वन इज विंस डिस्प्लेसमेंट, क्रिचॉफ, प्लैंक्स, स्टेफन बोल्ट्जमैन एंड लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इन 5 लॉ की स्टडी करते हैं, फिर हम इसमें भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनालॉजी लगाते हैं और इसकी सर्किट बनाते हैं, फिर हम इसमें जो रेजिस्टेंस जो हमारे होते हैं, सरफेस रेजिस्टेंस, स्पेस रेजिस्टेंस, उनकी एनालिसिस करते हैं बिटवीन टू फ्लैट प्लेट्स, इनफाइनाइट लेंथ फ्लैट प्लेट्स टू फाइनाइट लेंथ
फ्लैट प्लेट्स, फिर हम सिलेंडर्स के बीच में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर के बीच में भी एनालाइज करते हैं, उसके बाद शील्डिंग की एनालिसिस करते हैं, तो रेडिएशन में ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये 5 लॉज होते हैं, क्रिकॉप्स, विंस डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक्स, स्टेफन बोल्ट्जमैन एंड लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ हीट ट्रांसफर इज, फोर्थ चैप्टर इज हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर हम पढ़ते हैं। हीट एक्सचेंजर में केवल दो ही टॉपिक हमें पढ़ना होता है, एक एनटीयू मेथड एंड सेकेंड वन इज एलएमटीडी मेथड। एलएमटीडी मेथड और एनटीयू मेथड से हम हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग करते हैं, और जनरली हमें डिजाइन उतना डीप में नहीं पढ़ना होता है, हमें एफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखनी होती है हीट एक्सचेंजर की। तो हीट एक्सचेंजर से ऑलवेज गेट में आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का फिक्स रहता है, 2 मार्क्स का। ये सब्जेक्ट एक तो आप कह सकते हो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट छोटा भी है और बहुत ही अच्छा वेटेज लेता है, 6 to 8 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो 6 to 8 मार्क्स आप इजिली गेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन हम मूव करते हैं ग्रुप 2 के नेक्स्ट सब्जेक्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में RAC भी कहते हैं। ये अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो दिस इज प्योर एप्लीकेशन सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का प्योर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है और ये 2 to 4 मार्क्स कंटेन करता है गेट एग्जाम में। और अगर आप ES पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट का पिछले 2 साल से बहुत ही ज्यादा वेटेज आ रहा है, एज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव एग्जाम दोनों में इस सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ चुका है। तो इस सब्जेक्ट को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, और गेट में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 और 4 नंबर के आते हैं, जिसे आप इजिली गेन कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन, बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसमें कि अगर आप देखो जैसे आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हो, उसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहते हैं, उसके थ्रू कि कोई भी ऐसी डिवाइस हम डेवलप नहीं कर सकते हैं जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट करे, ओके, विदाउट एनी पावर इनपुट। कोई भी ऐसी डिवाइस डेवलप नहीं हो सकती है जो कि बिना कोई भी पावर इनपुट लिए लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट करे। तो वहां से रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कंसेप्ट आता है, और फिर हम वहां पर फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है COP, हम यहां पर सीखते हैं COP फाइंड आउट करना। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम फाइंड आउट करना सीखेंगे बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन में। सेकेंड वन चैप्टर हम जो देखेंगे वो होता है VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो तो गेट में हर एक साल एक क्वेश्चन VCRS से मिलता ही मिलता है, COP से मिले या ना मिले, बट VCRS से हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, आ रहा है, अभी भी चल रहा है ये पैटर्न। VCRS से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही गेट एग्जाम में। इसमें आप VCRS में टोटल अब जो आपके VCRS साइकिल है उसकी पूरी एनालिसिस हम देखते हैं, और फिर उसमें आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर देखते हैं, फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कैस्केडिंग वगैरह सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे VCRS में। उसके बाद थर्ड चैप्टर इज VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फोर्थ वन इज रेफ्रिजरेंट जो चैप्टर है इसमें हम रेफ्रिजरेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन इज केमिकल केमिकल
प्रॉपर्टीज, दोनों चीजें देखते हैं। और तीसरा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स। ये तीन चीजें हम रेफ्रिजरेंट्स में देखेंगे। और ये जो चैप्टर है, दिस इज नॉट इन गेट एग्जाम, रेफ्रिजरेंट आपके गेट एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज इन आईईएस और आईईएस और ईएसई एग्जाम, ईएसई एग्जाम में ये आपका चैप्टर इंक्लूड है। ऊपर के जो तीन चैप्टर हैं, बेसिक रेफ्रिजरेशन, वीसीआरएस, वीएआरएस, दिस ऑल इन गेट एग्जाम, बट रेफ्रिजरेंट इज नॉट इन गेट एग्जाम। फिफ्थ चैप्टर हम जो देखते हैं, फिफ्थ चैप्टर इज एयर स्टैंड साइकिल्स, इट मीन्स ब्रेटन, ब्रेटन, दिस इज रिवर्स ब्रेटन, रिवर्स ब्रेटन और बेल कोलमैन, बेल कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन और बेल कोलमैन साइकिल देखेंगे। वहां पर हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल की एनालिसिस पूरी करेंगे और वहां पर हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर आपके गेट के सिलेबस में इंक्लूड है और ईएस में भी है। सिक्स चैप्टर में हम जो देखते हैं, सिक्स चैप्टर में इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, डिफरेंट रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, आइसेंथेलेपिक एक्सपेंशन डिवाइसेस, ओके, इन सारी चीजों की एनालिसिस इसमें करेंगे। फिर ये जो चैप्टर है, डिफरेंट रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, ये ओनली इन ईएसई एग्जाम, नॉट इन गेट एग्जाम, ठीक है। फिर हम एंटर करते हैं एयर कंडीशनिंग में, जब एंटर करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, साइकोमेट्री आप कह लो, सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, जिसमें कि हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे टॉपिक्स की एनालिसिस हम यहां पर करेंगे। नेक्स्ट वन इज एट चैप्टर, एट चैप्टर इज साइकोमेट्री, साइक्रो मेट्री, साइकोमेट्री, साइकोमेट्री में हम टोटल साइकोमेट्रिक चार्ट की एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, डिह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स की एनालिसिस करेंगे। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग की एनालिसिस हम करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेवेंथ एंड एट चैप्टर। इसमें अगर आप टोटल देखो तो फर्स्ट चैप्टर इज इन गेट एग्जाम, फर्स्ट चैप्टर इज इन गेट एग्जाम, गेट, सेकेंड वन इज ऑल्सो इन गेट, थर्ड वन इज ऑल्सो इन गेट, फोर्थ वन इज नॉट इन गेट, फिफ्थ वन इज इन गेट, सेवेंथ वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, एंड एट वन चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। वन क्वेश्चन कम फ्रॉम सेवन और एट चैप्टर, सेवन एंड एट चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा आपके गेट एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आपके वीसीआरएस या सीओपी से पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर की एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप टू के अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से हैं उस पर आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज आईसी इंजन, आईसी इंजन, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज आईसी इंजन। आईसी इंजन को अगर आप देखो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 to 3 marks आप कह सकते हो, 2 to 3 marks के क्वेश्चंस ये इसके गेट एग्जाम में आते हैं। आप देखो तो ये आईसी इंजन जो सब्जेक्ट है, गेट में बहुत ही कम पढ़ना है आपको, बस एक चैप्टर, टोटल सिलेबस का एक चैप्टर बस आपको पढ़ना है आईसी इंजन में। बट आप आईसी इंजन सब्जेक्ट को अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे कि इसरो, बार्क, फिर आप ईएस के एग्जाम में जाते हो, और अदर पीएसयूज के एग्जाम अगर आप
देते हो, जैसे फिर अगर आप जेई के एग्जाम में भी बैठते हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईसी इंजन। इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके वेटेज अच्छे रहते हैं। इसमें अगर अब सिलेबस की एनालिसिस की जाए, चैप्टर वाइज एनालिसिस की जाए, तो पहला चैप्टर हमें जो पढ़ना होता है, फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक बेसिक एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। बेसिक एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बेसिक में जैसे बेसिक ऑफ आईसी इंजन, टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, सीआई इंजन एंड एसआई इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन एंड स्पार्क इग्निशन। फिर हम टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन देखेंगे, उनके डिफरेंसेस देखेंगे, वो सारी चीजें बेसिक में देखेंगे। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड थर्ड वन इज ड्यूअल साइकिल। इन साइकिल्स की एनालिसिस हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल में करते हैं। और ये चैप्टर, बस एक यही चैप्टर गेट में पूछा जाता है, गेट एग्जाम बस एक यही चैप्टर पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अदर एग्जाम्स के लिए इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर जो हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन्स। कंबसन की बात करते हैं, जब हम एक्चुअल डायग्राम और आइडियल डायग्राम के कंपैरिजन की स्टडी करेंगे। जैसे कि सपोज कर लो फोर स्ट्रोक इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन को आप पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो जो हम आइडियल साइकिल्स में जो हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, सपोज फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होती है तो दो रोटेशन होता है, टू रोटेशन वो कंप्लीट करता है, यानी कि हर एक स्ट्रोक में 180 डिग्री की बात हम करते हैं कि क्रैंक का रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री। दिस इज इन आइडियल साइकिल में हम 180 डिग्री की बात करते हैं। बट रियल कंडीशन में अगर आप देखो तो वो 180 डिग्री से पहले ही कुछ फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, अदर स्ट्रोक्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वाल्व का ओपनिंग, वाल्व का क्लोजिंग, देन स्पार्क इग्निशन, स्पार्क स्टार्ट हो जाएगा, हीट का एडिशन स्टार्ट हो जाता है। आइडियल अलग होती है और रियल साइकिल का कंपैरिजन करते हैं और उसमें टोटल कंबसन की बातें करते हैं। कंबसन में ही हम नॉकिंग वगैरह सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपके अदर एग्जाम्स के लिए, थ्योरेटिकल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसरो में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां के लिए भी कंबसन इन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड वन चैप्टर में हम देखते हैं फ्यूल्स की जहां बात करते हैं, फ्यूल्स में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इन फ्यूल्स की और अल्टरनेट फ्यूल्स की स्टडी करेंगे विद केमिकल कंपोजिशंस। ओके, फोर्थ वन चैप्टर इज कार्बोरेशन एंड फ्यूल इंजेक्शन। कार्बोरेशन एंड फ्यूल इंजेक्शन में पूरा कार्बोरेटर की एनालिसिस करेंगे, कार्बोरेटर की टोटल एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस को हम लोग देखेंगे और वहां पर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिफ्थ वन चैप्टर अपना जो होता है इग्निशन इंजन फ्रिक्शन लुब्रिकेशन एंड कूलिंग। इग्निशन इंजन फ्रिक्शन लुब्रिकेशन एंड कूलिंग की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। यह चैप्टर भी आपका ईएस पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आप लोग देखेंगे जब हम हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस सब्जेक्ट में जब एंटर करेंगे, चैप्टर्स की जब पूरी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आप लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसकी भी एनालिसिस हम लोग वहां पर देखेंगे। सिक्स चैप्टर हम लोग जो इसमें देखते हैं सुपरचार्जिंग इंजन टेस्टिंग सुपरचार्जिंग, इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस।
इसकी एनालिसिस देखेंगे, यहां से भी बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन रेशियो, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये सारी एनालिसिस जो हम करेंगे इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस में करेंगे, और सुपर चार्जर्स की भी बात हम करेंगे वहां पर, टोटल एनालिसिस वहां पे करेंगे, और इसके देखेंगे कि प्रीवियस ईयर ईएस में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं किस एग्जाम के लिए टोटल. देन सेवेंथ वन एंड लास्ट वन चैप्टर इज इमिशन एंड इट्स कंट्रोल. जैसे इमिशन एंड इट्स कंट्रोल में जो चीजें हम देखेंगे, इमिशन में देखेंगे कि कितना पॉल्यूटेंट, किस फ्यूल से कितना पॉल्यूटेंट होता है और कौन से पॉल्यूटेंट को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं. मतलब इमिशन में जो इमिशन हो रहा है, स्मोक का जो इमिशन हो रहा है, उसमें कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन पॉल्यूटेंट्स को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज की स्टडी करेंगे कि कैसे, हाउ टू कंट्रोल द पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द पॉल्यूटेंट्स ऑफ फ्यूल. तो ये टोटल एनालिसिस आपकी आईसी इंजन की रही. आईसी इंजन में गेट में केवल एक चैप्टर, बाकी चैप्टर्स आपके अदर एग्जाम और ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की एनालिसिस हम देखेंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना पावर प्लांट इंजीनियरिंग. ग्रुप टू का नेक्स्ट सब्जेक्ट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग. पावर प्लांट इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड ऑल्सो. आप यहां पर देखो तो ये जो सब्जेक्ट है 2 से 3 मार्क्स कंटेन करता है, 2 से 3 मार्क्स कंटेन करता है किस एग्जाम में, गेट एग्जाम में. बट अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये भी सब्जेक्ट, अभी देखते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस जो जो चीजें हम देखेंगे अदर एग्जाम के लिए, और ईएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको हो तो उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट से बनते हैं. बिकॉज कि अगर मेरे अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करो तो इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कंप्रेसर, स्टीम टर्बाइंस. कंप्रेसर की पूरी एनालिसिस आपकी हो गई, फिर स्टीम टर्बाइंस की एनालिसिस हो गई, नोजल्स, इनकी एनालिसिस पूरी की पूरी हम यहां पर देखेंगे. तो इनसे बहुत ही अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं. हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है हमें. सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल एंड ब्रेटन साइकिल विद रीजेनरेशन एंड रीहीट. रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल, अगर आप रैंकाइन और ब्रेटन साइकिल की एनालिसिस करते हो तो रैंकाइन साइकिल जो होती है आपकी वेपर पावर साइकिल होती है. आप जब थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की स्टडी करोगे तो वहां पर हम जो पढ़ेंगे लिक्विड और वेपर, वाटर एंड इट्स वेपर की पूरी एनालिसिस, फेज डायग्राम वगैरह सारी चीजें जो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में, जो पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, पीएच डायग्राम, जितने डायग्राम की एनालिसिस करेंगे वो उसका एप्लीकेशन पार्ट आप यहां पर देखते हो रैंकाइन साइकिल में. और उसी का एप्लीकेशन पार्ट आप कहां देखते हो, वीसीआरएस में भी देखते हो, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. बिकॉज कि वहां पर 2-फेज सिस्टम होता है, 1-फेज तो होती नहीं है, वेपर भी होता है, लिक्विड भी होती है. तो उसकी टोटल एनालिसिस आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बेस्ड ऑन होती है. तो दैट चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीसीआरएस एंड रैंकाइन साइकिल. एंड नेक्स्ट वन इज द ब्रेटन साइकिल. ब्रेटन साइकिल को हम क्या कहते हैं, गैस पावर साइकिल. सबसे बड़ी बात है आपने देखा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में आपने देखा रिवर्स ब्रेटन साइकिल. रिवर्स ब्रेटन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो ब्रेटन साइकिल गैस पावर साइकिल है, वहां पर भी वो गैस साइकिल ही है, ठीक है, बट दैट इज द रिवर्स ऑफ ब्रेटन साइकिल. देखो क्या डिफरेंस होती है, जो पावर डेवलपिंग जो साइकिल्स होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं साइकिल्स, और जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं. तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की वहां पे वो बात करता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम देखते हैं. तो वो चीजें क्या है, विदाउट एनी पावर इनपुट ऐसी कोई डिवाइस डेवलप नहीं हो सकती है जो कि
लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट करें विदाउट एनी पावर इनपुट. तो उसमें हमने पावर इनपुट किया यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम. और यहां पर जो ब्रेटन साइकिल होगी ये पावर डेवलपिंग साइकिल होगी, मतलब कि इस साइकिल से आपको पावर मिल रहा है, मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम. दिस इज पॉजिटिव साइकिल एंड द रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज द नेगेटिव साइकिल. ओके, रीजनरेशन एंड रीहीट की एनालिसिस हम रैंकाइन और ब्रेटन साइकिल में करते हैं. सेकेंड चैप्टर जो हम यहां पर देखते हैं, सेकेंड चैप्टर होता है फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज यहां पर हम एनालाइज करेंगे टोटल फ्यूल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. थर्ड वन चैप्टर इज फ्लू गैस एनालिसिस. फोर्थ वन चैप्टर इज बॉयलर्स. बॉयलर्स की अगर एनालिसिस करो तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयलर्स का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं. फिर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू में, गेट में केवल रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल अभी तक के सिलेबस में जितनी चीजें मैंने लिखी हैं उसमें से केवल एक चैप्टर आपके गेट एग्जाम में आता है. दिस इज द फर्स्ट वन चैप्टर. और ये भी 2016 से पहले तक केवल यही एक चैप्टर आता था गेट एग्जाम में पावर प्लांट इंजीनियरिंग से. लेकिन आफ्टर 2016 एक चैप्टर को और ऐड किया गया, डेट इज कंप्रेसर. वो भी देखेंगे हम लोग. तो बॉयलर्स में हम लोग बॉयलर्स की अगर बात करते हैं तो बॉयलर्स से आपके क्वेश्चन जो आते हैं ईएस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बॉयलर से मिलेंगे. फिर आप इसरो में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको बॉयलर से एक क्वेश्चन मिल सकता है. बार्क में भी आपको बॉयलर से क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो बॉयलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है. टाइप्स ऑफ बॉयलर्स आपको पढ़ने हैं, एसेसरीज एंड माउंटिंग एंड एसेसरीज ऑफ बॉयलर्स, वो सारी चीजें देखनी है. तो इसमें थ्योरीज पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, इनकी थ्योरी पढ़नी है, टाइप्स पढ़ना है और फिर एप्लीकेशंस पढ़ने हैं इनके. फिर फिफ्थ चैप्टर में अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ चैप्टर में स्टीम टर्बाइन एंड अदर पावर प्लांट इक्विपमेंट्स. स्टीम टर्बाइन की पूरी एनालिसिस, वेलोसिटी ट्रायंगल्स वगैरह टोटल देखेंगे, ब्लेड की भी एनालिसिस करेंगे स्टीम टर्बाइन्स में. और इनमें हम देखते हैं अदर पावर प्लांट इक्विपमेंट्स लाइक फर्स्ट वन इज कंडेंसर. सेकेंड वन इज एयर इजेक्टर. थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टेटिक precipitator एंड फोर्थ वन इज कूलिंग टावर. इसमें जो चीजें आपको पढ़नी है अदर पावर प्लांट इक्विपमेंट्स में, इनकी आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी टाइप्स. थ्योरी के बाद अगर आप देखो तो डिजाइन के बाद टाइप्स एंड एप्लीकेशंस. तो दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल चैप्टर. और इसका यूज आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं ईएस में, ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस इज फिफ्थ सिक्स चैप्टर इज कंप्रेसर की बात करते हैं. कंप्रेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन गेट एग्जाम. गेट में 2016 से इसको इंक्लूड किया गया कंप्रेसर को. कंप्रेसर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, रोटरी कंप्रेसर एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर.
रोटरी एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दोनों कंप्रेसर की पूरी एनालिसिस करनी है। कंप्रेसर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे बनते हैं जब हम एनालिसिस करेंगे। तो कंप्रेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे आप कहो तो एक तरह से ये भी टर्बो मशीनरी का ही आप चैप्टर कह सकते हो। आप मतलब कि दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो कंप्रेसर जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये टोटल पावर प्लांट इंजीनियरिंग की एनालिसिस है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अगर आपने शुरू से देखा केवल दो चैप्टर्स आपके गेट में आते हैं, रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल विद रीजनरेशन एंड रीहीट, एंड सेकेंड वन इज कंप्रेसर। बाकी जो चैप्टर्स हैं फ्यूल साइंस, देयर प्रॉपर्टीज, फ्लू गैस एनालिसिस, बॉयलर्स, स्टीम टर्बाइन एंड अदर पावर प्लांट इक्विपमेंट्स लाइक कंडेंसर, एयर रिजेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कूलिंग टावर, तो ये टोटल अगर आप देखो तो ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप थ्योरी पोर्शन को भी कवर अप करके जाते हो अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर थ्योरी पोर्शन को भी कवर अप करके जाते हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उस एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन आपको जरूर वहां से मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप टू, ग्रुप बी सब्जेक्ट जो हमने डिवाइड किए थे उसका लास्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मशीन्स। फ्लूइड मशीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 2 to 3 marks इजिली आप इससे गेन कर सकते हो। और 2 to 3 marks के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में और अदर एग्जाम में, तो हर एक इंडिया में कोई सा भी आप एग्जाम देने जाओ, टेक्निकल एग्जाम, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट से मिलना ही मिलना है और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हो इस सब्जेक्ट का तो आप सिक्वेंस को फॉलो करना ना भूले। सिक्वेंस किस तरह से आपको देखना है, इसमें बस आपको 3 चीजें ही पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर इज इंपैक्ट ऑफ जेट, सेकेंड चैप्टर इज टर्बाइंस, थर्ड चैप्टर इज पंप्स। अब एक एक की एनालिसिस देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ जेट, आप लोग क्या करते हो कॉलेज टाइम पे, इंपैक्ट ऑफ जेट छोड़ोगे, कहोगे टर्बाइन पढ़ लेते हैं, टर्बाइन से क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी ट्रायंगल, दो तीन आप लोग क्या करते हो याद कर लेते हो, लेकिन नहीं, ये पूरा कंसेप्चुअल होता है। अगर आपने इंपैक्ट ऑफ जेट पहले कंप्लीट नहीं किया तो आपको वेलोसिटी ट्रायंगल का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। पहले आपको इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ना पड़ता है फिक्स्ड प्लेट्स पे, फिक्स्ड कर्व प्लेट्स पे, फिर आपको उसी को मूविंग कर्व प्लेट्स पे, मूविंग प्लेट्स पे, फ्लैट प्लेट्स पे एनालाइज करना होता है, फिर उसके वेलोसिटी ट्रायंगल की एनालिसिस स्टार्ट करनी होती है, फिर एक प्लेट के बाद आप सीरीज ऑफ वेंस की बात करते हैं, फिर वहां से आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह से वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाता है। और जब आप इंपैक्ट ऑफ जेट जब खत्म करते हो तो आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल का आइडिया लग गया होता है। फिर आप वहीं जब एंटर करते हो टर्बाइंस में, तो टर्बाइंस में आप वेलोसिटी ट्रायंगल डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइंस के बनाते हो। जैसे कि इसमें आपको टोटल 3 टाइप के टर्बाइंस पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है पेल्टन टर्बाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंपल्स टर्बाइन। सेकेंड वन इज रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में आप 2 तरह के टर्बाइन्स पढ़ते हो, फ्रांसिस एंड कपलान टर्बाइन। ये 2 तरह के टर्बाइन्स आप पढ़ते हो, फ्रांसिस और कपलान। फ्रांसिस में हम क्या देखते हैं, दिस इज रेडियल फ्लो टर्बाइन्स। सिंपल, अभी जो मैं बात बता रहा हूं यहां पर आप देखोगे दिस इज एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स। फिर इन्हीं 2 टर्बाइन्स में आप एक नए टॉपिक को भी पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी की भी बात हम यहां पर करते हैं। ओके, तो जब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो पेल्टन टर्बाइन यानी इंपल्स टर्बाइन की भी वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे और टोटल एनालिसिस इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल से होती है। फिर फ्रांसिस का भी वेलोसिटी ट्रायंगल, कपलान का भी वेलोसिटी ट्रायंगल, फिर डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि क्यों इन्हें डेवलप किया गया, कैसे, क्या रीजंस आते गए कि हमने टर्बाइन्स को डेवलप हम करते गए।
पेल्टन से फिर हम फ्रांसिस पे आते हैं, फ्रांसिस से कपलान पे आते हैं, फिर ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी पढ़ते हैं. तो ये टोटल चीजें किस कारण से बनी, क्या क्या रीजंस थे इनके डेवलपमेंट के, वो सारी चीजें हम देखेंगे. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइंस देखेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में हेड बेस्ड ऑन हेड की, लो हेड, हाई हेड और मीडियम हेड में कौन से टर्बाइन यूज होते हैं. तो टोटल चीजें, और इस टर्बाइन चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर आप इंपॉर्टेंस देते हो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्पेसिफिक स्पीड जो टॉपिक है, स्पेसिफिक स्पीड एंड यूनिट क्वांटिटीज. अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, इसरो, बार्क, गेट, तो वहां पर अगर टर्बाइन से क्वेश्चन मिलेंगे तो 60-70% चांस होते हैं कि यहां से ही वो क्वेश्चन मिले. बाकी 30-40% चांसेज होते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल के बेस्ड ऑन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, या फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन पूछे जाएं, या टाइप बेस्ड ऑन क्वेश्चन पूछे जाएं. बट 60-70% आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक स्पीड और यूनिट क्वांटिटीज के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, देन अब हम आते हैं पंप्स में. थर्ड चैप्टर है पंप्स. पंप्स चैप्टर की अगर एनालिसिस करें तो इसमें भी हमें दो तरह के पंप्स पढ़ने होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, एंड सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप. अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हो तो फ्लूड मशीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. अगर आप ONGC में जाते हो इंटरव्यू देने तो वहां पर आपसे पंप से, टर्बाइन से क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. और ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल होता है. थोड़ा सा अगर आप इस पर कंसंट्रेट हो जाते हैं इस सब्जेक्ट पर, तो आप बहुत ही अच्छा इसमें कर जाएंगे. और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सबके वेलोसिटी डायग्राम जनरली सिमिलर ही चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्या बस डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को बस देखना होता है कि फ्रांसिस से हम जब टर्बाइन में आते हैं तो क्या डिफॉल्ट था, उसको कैसे दूर किया गया, और कप्लान टर्बाइन का इन्वेंशन हुआ. तो उस तरह से सारी चीजों को एनालाइज करते जाना है और चीजों को देखते जाना है. और पंप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात भी कर सकते हैं और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें. जैसे आप पढ़ते हो पंप्स इन सीरीज, पंप्स इन पैरेलल, फिर प्राइमिंग ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ हेड हमें पढ़ना होता है. तो वो सारी चीजें पंप्स में एकदम बेसिक से इसकी एनालिसिस स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं. और ये जरूरी है कि अगर आपका ONGC में अगर इंटरव्यू होता है तो वहां पर तो पंप से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे. ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि फ्लूड मशीन्स सब्जेक्ट आप अगर करना चाहते हो कमांड, तो फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप फ्लूड मशीन्स को अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज कि इससे आपके इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स जुड़ सकते हैं. आपके लिए पॉजिटिव व्यू रहेगा अगर आप फ्लूड मशीन्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. तो यहां पर हमारा ग्रुप टू सब्जेक्ट, ग्रुप टू के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनालिसिस कंप्लीट होती है. आपने देखा ग्रुप टू में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट थे. सबसे पहले हमने देखा फ्लूड मैकेनिक्स. सेकेंड सब्जेक्ट हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड सब्जेक्ट हमने देखा हीट ट्रांसफर. फोर्थ सब्जेक्ट हमने देखा RAC. फिफ्थ हमने देखा IC. सिक्स्थ हमने देखा पावर प्लांट इंजीनियरिंग. सेवेंथ हमने देखा फ्लूड मशीन्स. ये टोटल सब्जेक्ट की एनालिसिस जो हमने किया, ये टोटल सब्जेक्ट मिलकर कंटेन करते हैं 23-25 मार्क्स. आप अगर देखो, मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, फॉर गेट एग्जाम में 23-25 मार्क्स ये कंटेन करते हैं. आपने देखा फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ST में सिलेबस ज्यादा है, मतलब कंप्लीट सिलेबस है. RAC, IC, पावर प्लांट, ये तीन जो सब्जेक्ट हैं इसमें बहुत ही कम सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम. ओके, ESE एग्जाम के कंपेरिजन में बहुत ही कम पढ़ना होता है. IC इंजन में एक चैप्टर, पावर प्लांट में दो चैप्टर, RAC में चार चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं. तो देखने में ये सब्जेक्ट के काउंटिंग ज्यादा है, बट सिलेबस आपका कॉम्पैक्ट होता है और नंबर भी आपके कॉम्पैक्ट ही होते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होते हो ग्रुप टू पे तो आप 23-25 मार्क्स इजिली कंटेन कर सकते हो. बट सबसे बड़ी बात, ग्रुप टू सब्जेक्ट्स में
आपको सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ग्रुप टू हो या ग्रुप वन हो या ग्रुप थ्री हो, सब में आपको सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, मस्ट हो जाता है। बिकॉज कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं करते हो, थर्मोडायनेमिक्स आपका हुआ नहीं है, आप एंटर कर जाओ आरएसी आईसी पावर प्लांट, आप क्या हो जाओगे, पजल हो जाते हो, चीजें समझ में नहीं आती हैं। बेसिक तो थर्मोडायनेमिक्स होता है, बट आप डायरेक्ट उठाते हो आरएसी उठा लेते हो, आईसी इंजन उठा लोगे या पावर प्लांट उठा लोगे, तो आप हो जाओगे पजल। और जब पजल आदमी होता है तो फिर इंटरेस्ट उससे डिक्रीज होने लगता है और फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, और वहीं से क्या होता है, आपका डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप हीट ट्रांसफर आरएसी आईसी पावर प्लांट और फ्लूइड मशीन्स में एंटर करना। उससे पहले अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं किया, थर्मो नहीं किया और आप इन सब्जेक्ट्स में एंटर करोगे तो फिर आप पजल होना एकदम एसेंशियल है, आप पजल होंगे ही होंगे। ओके, तो यहां पर अपना ग्रुप टू का ग्रुप बी सब्जेक्ट्स की टोटल एनालिसिस कंप्लीट होती है। ओके, थैंक्स।